एक हाथ से दिया गया दान हजारों हाथों से लौटकर हमारे जीवन में वापिस आता है। एक इंसान का दूसरे इंसान की मदद करने का सबसे बेहतरीन जरिया जो है वो दान है, सबसे नोबल जरिया जो है वो दान है। लेकिन दान हमेशा एक फ्लैट रूल से नहीं चलते। दान अगर गलत चीज़ों के हो जाएं तो ये उल्टा हमारा नुकसान कर देते हैं, जीवन में ब्लॉकेजेस ले आते हैं। और हमारा बर्थ चार्ट बहुत अच्छे से ये बता देता है कि कौन सी चीज़ों का दान दरअसल करना चाहिए और कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा। और चर्चा शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक फ्यूल का, एक मोटिवेशन का काम करता है। और इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी या वास्तु के डेली छोटे छोटे बहुत यूज़फुल टिप्स के लिए मेरे इंस्टा चैनल योगेश शर्मा एस्ट्रोलॉजी पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली कुछ ऐसे बेहतरीन टिप्स मिलेंगे जो आपके जीवन में भी वैलिडेशन का काम करेंगे और आपकी एस्ट्रो वास्तु नॉलेज में भी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा कि कौन से दान दरअसल हमें करने चाहिए और कौन से दान जो हैं लाइफ में अवॉइड करने चाहिए। भाई, दान तो दान है। जो चीज़ हमारे पास एक्सेस है उसका दान हम कर देते हैं, या कहें तो उस चीज़ को हम जगत के साथ शेयर कर लेते हैं। तो अब दान को किस हद तक जायज़ है जन्म कुंडली के साथ जोड़ना। जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली है हमारे प्लैनेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन। जन्म कुंडली हमें बताती है कि प्लैनेट्स यानी ऊर्जाएं किस हद तक हमारे जीवन में बैलेंस्ड है और किस हद तक ये हमारे जीवन में इम्बैलेंस्ड है। खराब ऊर्जाएं जो हैं उनको दान दे के बैलेंस किया जाता है, और अच्छी ऊर्जाएं जो हैं वो उनको संभाल के रखा जाता है, उनको दान नहीं किया जाता। तो इस तरह से अगर हम अपनी जन्म कुंडली की एनर्जीज के मुताबिक लाइफ में दान करें तो देखिए, जिसको दान मिलेगा उसका तो भला होगा ही होगा, बल्कि हम जो चीज़ दान के द्वारा अपनी बैलेंस कर रहे हैं हमारी लाइफ भी और अच्छी चलेगी, ताकि इन फ्यूचर हम और अच्छा दान करके या जगत के साथ और अच्छी शेयरिंग करके सभी के लाइफ स्तर को, सभी के जीवन स्तर को ऊपर बढ़ा सकें। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपसे शेयर करना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये कारक होते हैं हमारे जीवन में हमारे खुश रहने का। हमारी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, ये चंद्रमा से डिसाइड होती है। हमारे जीवन में जो कैश फ्लो होता है ये भी चंद्रमा से डिसाइड होता है। हमारे जीवन में हम अपने मेंटल बैलेंस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इमोशनल बैलेंस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी चंद्रमा से डिसाइड होता है। अलग अलग घरों में चंद्रमा जो हैं हमें दान करने की कुछ एक चीज़ों से रोकते हैं और कुछ एक चीज़ों में हमें दान करने के लिए प्रेरित करते हैं। अनाथ बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रबंध करना कितना पुण्य का काम है। लेकिन यही अगर चंद्रमा किसी के 12वें घर में हो जाए और वो इंसान अनाथ बच्चों, यतीम बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रबंध कर दे, तो उसके अपने बच्चों की एजुकेशन जो है ख़त्म होने की नौबत आ जाती है। उसके जीवन में इस तरह से अड़चनें आती हैं कि उसको पता भी नहीं चलता ये हो क्या रहा है। तो जिनके चंद्रमा 12 हैं उनको कभी भी अनाथ बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रबंध नहीं करना चाहिए। किसी भी बेघर अनाथ बच्चे की कभी भी फीस नहीं देनी चाहिए स्कूल की, और बाकी चीज़ों के वो दान कर दें, लेकिन ये दान उनको भूले से भी नहीं करना चाहिए। अब चंद्रमा की बात चली है ना, तो चंद्रमा दूसरे घर में, चौथे घर में बहुत बलवान चंद्रमा माने जाते हैं। लेकिन दूसरे, चौथे और छठे घर के चंद्रमा वाले लोग अगर दूध का दान करें, इवन डेली शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाएं, तो ये उनके लिए बैकफायर कर जाती है चीज़, ये उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती है। तो क्या होता है, चंद्रमा की चीज़ों का नुकसान होना शुरू हो जाता है। चंद्रमा की चीज़ें जैसे मैंने अभी आपको बताई, मेंटल बैलेंस, खुशी का इंडेक्स, जीवन में खुशी कितनी आएगी, या कैश का फ्लो कितना बनेगा, या जीवन में भावनाओं का बैलेंस किस तरह से रहेगा, ये सब चीज़ें जो हैं स्पॉइल होनी शुरू हो जाती हैं। चंद्रमा दूसरे, चौथे, छठे में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दूध का दान करने से इंसान को नुकसान होते हैं, चंद्रमा चौथे घर में हों और बिल्कुल उसके उल्टे बृहस्पति 10वें घर में हों, ये लोग कभी भी किसी धर्म स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसके बनने में कोई सहायता करें, इनकी कंस्ट्रक्शन में किसी तरह से कोई योगदान पाएं, तो इनका अपना जो जीवन है ना वो आसमान से फर्श पर आ जाता है। इनकी सारी तरक्की जो है रुक जाती है, जीवन में किस्मत कनेक्शन जो है ना वो बिल्कुल कट हो जाता है। तो चौथे में चंद्रमा हो, 10वें में बृहस्पति हो,
इनको कभी भी किसी भी धर्म स्थान की कंस्ट्रक्शन में ना पर्ची कटवानी चाहिए, ना योगदान पाना चाहिए, ना ही वहाँ जाके किसी तरह की कोई भी वो सेवा वगैरह करनी चाहिए। कुछ लोग मैंने अपने सर्कल में देखे हैं जो बहुत दानी हैं, सुबह सुबह सैर करने जाते हैं तो दान करते हैं, या शाम को काम से आती बार कई लोगों को, कई ज़रूरतमंदों को दान देते हैं। जिनके भी सूरज सातवें या आठवें घर में होते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, इनको दान करना बहुत खराबी देता है। फिर इनको पता ही नहीं चलता कि इनके जीवन में कष्ट आ कहाँ से रहे हैं, कई जगहों से कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। यानी जिनके भी सूर्य सातवें या आठवें घर में होंगे, उनको कभी भी जीवन में अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, इन समयों पर कोई भी दान नहीं करना चाहिए। अगर ये दान ब्रॉड डे लाइट में दोपहर के समय करें तो इनकी लाइफ में बहुत बैलेंस आने शुरू हो जाते हैं, जीवन जो है खुशनुमा होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह से जिनके शनि आठवें घर में होते हैं ना, वो ना तो किसी भी जगह पे ऐसा अरेंजमेंट करवाएं जिसमें लोग रह सकें, यानी रैन बसेरा ना बनवाएं, किसी सराय, धर्मशाला, मंदिर, इन चीज़ों के बनाने में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ना दें, क्योंकि अगर ये उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे तो ये लोग खुद भी बेघर हो सकते हैं। तो ये तो थे धर्म कर्म की बातें। कई लोग शराब पीने के, शराब पिलाने के बहुत शौकीन होते हैं, उन लोगों के लिए खास वार्निंग। अगर उनके चार्ट में शनि सातवें घर में या शनि ग्यारहवें घर में हों और वे लोग कॉकटेल पार्टीज करते रहें, वे लोग शराब पिलाते रहें या शराब की बॉटल किसी को गिफ्ट करें, तो ये उनके लिए किस्मत कनेक्शन के ख़त्म होने का एक सबब बन जाता है, कारण बन जाता है। इनको भूले से भी ना किसी को शराब पिलानी चाहिए, ना ही शराब की बॉटल कभी गिफ्ट करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे इनके जीवन में ऐसी ऐसी अड़चनें आएंगी जो ये लोग कभी सोच ही नहीं सकते। बुध अपने आप में कारक होते हैं हमारी बुद्धि का, वो बुद्धि जो हमें सही गलत की पहचान दे। बुध जो हैं उसके सिंबल्स क्या हैं, बुध के सिंबल्स हैं छोटे बच्चे, बुध के सिंबल्स हैं स्टेशनरी, बुध के सिंबल्स हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और जिन लोगों के बुध छठे घर में होते हैं ना, ये कहा जाता है इनके बुध बहुत स्ट्रांग हैं, यानी उनकी बुद्धि भी तेज होगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी, या वे लोग जो हैं ये लोग कुछ ऐसे काम में जो बुध के काम होते हैं इनमें बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन ये लोग अगर बुध की चीज़ों का दान करना शुरू हो जाएं, यानी छोटे बच्चों में स्कूलों में जाके स्टेशनरी बांटनी शुरू कर दें, लोगों को पेन गिफ्ट करें, या किसी को कोई कम्युनिकेशन डिवाइस मोबाइल वगैरह गिफ्ट दे दें, तो ये इनके बुध के बहुत खराब होने का कारण बन जाता है। तो फिर क्या होता है, चलते चलते काम जो हैं वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं, बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, सही गलत की पहचान नहीं रहती, फैसले गलत होने शुरू हो जाते हैं। और ये सब किस लिए होता है, गलत चीज़ों का दान करने की वजह से। अब ये देखिए किस तरह से प्लैनेट हमें इशारा दे रहे हैं कि इन चीज़ों का दान करने से बचिए। अपने पुराने कपड़े किसी को दान करना, अपने पुराने कपड़े नीडी लोगों को दे देना एक बहुत पुण्य का काम माना जाता है, और आप हम सभी लोग मोर और लेस इस काम को करते हैं। लेकिन किसी के भी शुक्र या गुरु सातवें घर में हों और वो अपने पुराने कपड़े एवें किसी को दे दें, तो ये जो है उनके लिए किस्मत कनेक्शन के खराब होने का कारण बनता है। फिर जीवन में अचानक से नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, तो कई चीज़ों की गृहस्थी या घर की शांति में भी इस चीज़ के कारण बाधा होती हुई देखी गई है। यानी आपके अगर बृहस्पति सातवें घर में हो या शुक्र सातवें घर में हो, अपने पुराने कपड़े ऐसे ही किसी को दान मत करिए, चाहे बदले में एक रुपए का टोकन ही उनसे ले लीजिए, लेकिन कुछ लेके ही उनको अपने पुराने कपड़े दीजिए। तो दोस्तों ये थे कईयों में से कुछ एक मेन कारण जो हमें बताते हैं कि हमें दरअसल लाइफ में किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारा जो दान है, सामने वाले का तो भला करे करे, हमें भी कम से कम कोई नुकसान ना दे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अपने चार्ट के साथ मैच करके जीवन में ज़रूर फायदा उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था।